बमरमानरिम माय डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ एलोमीनियम एंड कॉपर एलोमीनियम और कॉपर दोनों बहुत जाने पहचाने मेटल्स हैं वी ऑल नो देम। एलुमीनियम्स को किसने नहीं देखा ये देखें ये शीट है हमारे पास ये एलोमीनियम की शीट है एलुमीनियम बहुत कॉमन मेटल है आप होगा कि अर्थ क्रस्ट में मुख्तल अनासर जो पाए जाते हैं उसमें तीसरे नंबर पर अपनी अबंडस के अतबार से जो एलिमेंट आता है वो है एलोमीनियम हम जानते हैं कि एलोमीनियम की जो परसेंटेज है वह तकरीब सेवन पॉइंट फाइव है ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के तमाम एलिमेंट्स में अबाउट फिफ्टी परसेंट है अपने कंपाउंड की शक्ल में और एलिमेंट की फॉर्म में और फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है और तीसरे नंबर पे एलोमीनियम है इसी तरह से कॉपर की भी अपनी इम्पॉर्टेंस है इन दोनों की इस इम्पॉर्टेंस को इस अहमियत को पेश नजर रखते हुए आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हम एलोमीनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉपर को कैसे एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं मेटलर्जी एक कॉमन सा सब्जेक्ट है सारे ही एलिमेंट्स की मेटलर्जी करनी होती है दैट इज के उनको उनकी औरज में से या नेचुरली या कर फॉर्म में से एक्सट्रैक्ट करना होता है बतौरे नमूना एक केस स्टडी के तौर पे हमने एलोमीनियम को और कॉपर को रखा है ताकि इन दोनों के हवाले से हम एज ए होल सीख सकें किसी भी मेटल को अपनी ओर में से एक्स्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलुमिनियम की एलुमिनियम की शीट आपने देखी है लेकिन अर्थ क्रस्ट में ऐसे नहीं होता बस वो तो रॉक्स और यूं कह लीजिए कि मिट्टियों की शक्ल में होता है एलुमिनियम शीट्स आपने देखी एलुमिनियम के बहुत सारे और चीज़ें यूटेंसिल्स होते हैं मगर क्रस्ट में यानी जमीन के अंदर ज़मीन का जो सबसे बाहर का छिलका जो है कशरे अर्स उसमें एलुमिनियम इस तरह तो नहीं होता प्योर एलिमेंट की शक्ल में बल्कि वो होता है कम्बाइंड फॉर्म में क्यों कह लीजिए मिट्टियों की शक्ल में होता है क्ले की शक्ल में होता है रॉक्स की शक्ल में होता है कम्बाइंड फॉर्म में होता है मुख्तलफ और कंपाउंड्स की शक्ल में तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम एलोमीनियम को उन उसके कंपाउंड से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यह जानने के लिए हमें एलुमिनियम की उस पूरी केमिस्ट्री में जाना होगा कि फ्राम ऑर्स हाउ कैन वी गो स्टेप बाई स्टेप टू वर्ड्स प्योर मेटल आइए इसको हम लिख के समझने की कोशिश करते हैं नाउ लेट ट्राई टू नो व्हाट आर द वेरियस ऑर्स ऑफ एलोमीनियम सो ores of aluminium. Both important ore that is bauxite. Bauxite ore. What is the chemical formula of bauxite? It is Al2O3 dot X h2o that is it is aluminium oxide which is hydrated so this h2o is water of hydration x depend karta hai sometime the value of x is 1 sometime it is 2 but it varies depending on from where we are getting this ore in short you can say bauxite is aluminium oxide in Hydrated huh? water of hydration. In the same way, we have another ore of aluminium, and that is cryolite. C r y o l i t e. Cryolite. Cryolite is actually a fluoride ore, and its formula is Na three Al F six we can also write it like this naf dot alf 3 so this is actually a combined double salt of fluorine that is sodium fluoride and aluminum fluoride this is a very important uh, although not very abundant but very important ore of aluminum and it is a double salt of क्लोरिन विथ सोडियम एल एज वेल एज एलुमीनियम इन और वेल नोन कोरेंडम 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 इज ऑल्सो प्रेसियस स्टोन एंड यूज फॉर वेरियस परपजेज मगर इसका भी फार्मूला बड़ा सादा है एंड दैट इज एल टू ओ थ्री सो दैट इज इट इज ऑल्सो एलुमीनियम oxide. There are other ores of aluminium as well which are generally known as silicates, silicate ores. For example kaolin, mica, they are the ores of aluminium in which silicon silicon dioxide or silica is also present. Now what we generally do extraction of aluminium, C ore is एलुमीनियम की एक्सट्रक्शन के लिए विच और इज यूज तो जनरली वी यूज बॉक्साइड और बॉक्साइड और इज यूज ओके बट बॉक्साइड और वेन वी डिग एट आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट माइंड में से जब इसको निकालते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होती बल्कि ये फिफ्टी परसेंट होती है और अदर फिफ्टी परसेंट होती मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज जिसमें सरे फेरेस जो है वो सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत कह लें और इसके अलावा आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें खास तौर पर शामिल है फेरिक ऑक्साइड। सो इम्प्योरिटीज एस आई ओ टू एंड एफ ई टू ओ थ्री सो दीज आर द कॉमन मेन इम्प्योरिटीज इन दिस ओर प्रेजेंट अलॉन्ग बॉक्साइड। Now the question is, what uh, are the processes used to extract aluminium? As a whole, this process is known as metallurgy. This then consists of a number of steps. The first step is the crushing and the grinding of the ore. Dig out, kar liya, mining kar li, ab usko le apne karhane mein leya hai. Vaha kya karenge? Sabse pehle hai crushing. Bade bade pieces se inko tood ke chote pieces mein convert kiya. और फिर ग्राइंड करके फाइनली डिवाइडेड पाउडर बना लिया सो वी से इट इज ग्राउंड और और इन द ग्राइंड फॉर्म ग्राउंड मीन के ग्राइंड हो चुकी है दिस इज द फाइनली डिवाइडेड पाउडर वी नाउ परफॉर्म वेरियस रिएक्शंस टू ऑबटेन एल्यूमिनियम फ्रॉम हेयर मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने स्टूडेंट से आपको भी कि के केमिस्ट्री जो है वो एक तरह की एक टेक्निक्स हैं अगर आप ट्रिक के लफ्स को मुस्बत मानों में इस्तेमाल करते हों तो मैं ये कह सकता हूँ कि के केमिस्ट्री में बहुत सी ट्रिक्स होती हैं स्किल्स होती हैं आर्ट विच वी यूज फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉक्साइट और है खोद के हम ले आए हैं ग्राइंड कर ली और फाइनली डिवाइडेड पाउडर बना लिया इसमें 50 परसेंट दूसरी इंप्योरिटीज हैं खासतौर पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड यूं कह लें कि अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं बुनियादी तौर तो पे एलोमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड इट इज़ अ मिक्सचर नाउ व्हाई आई सेकट वी हैव टू यूज सर्टन स्केल्स आर ट्रिक्स ये तीन चीजों का एक मिक्सचर है इस कोई ऐसा तरीका सोचना है कि हम इलाहदा कर सकें एलोमीनियम ऑक्साइड को यहां से तो बहुत कॉमन सेंस में बात आई कि अगर हम किसी तरीके से ऐसा कोई करें कि इनमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाए और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड वो डिजॉल्व ना हो तो इस तरह से हम फिल्टर करके इलाहदा कर सकते हैं दैट वॉज अ कॉमन सेंस थिंग तो बायर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात सबसे पहले सोची थी बायर

तो पता ये चला कि अगर हम ये जो और है इसको एक कंटेनर में डाल लें सपोज हमारे पास ये कंटेनर है इस कंटेनर में और दैट इज और क्या चीज़ है कि और है जिसमें एज ए होल वी आर हैविंग एल्यूमियम ऑक्साइड वी आर हैविंग फेरक ऑक्साइड एंड सिलीकॉन डाई ऑक्साइड ये तीन चीज़ें मौजूद हैं यहाँ और ये तीनों में से कोई भी पानी में हल नहीं होती बायर ने सोचा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम किसी शक्ल में चेंज करें कि जो कि हल हो जाए तो सो दैट वी कैन फिल्टर इट एंड गेट इट आउट बड़ा आसान तरीका सोचा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस सॉल्यूशन यूज किया जाए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है इसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में एंड देन वो सोल्यूशन इसमें डालेंगे और हीट करेंगे देखिए फिर क्या होता है नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी पुट इन दिस मिक्सचर वॉट विल हैपन हमारे पास क्या है हमारे पास तीन चीजें हैं उनमें एक है एलुमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री पुटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टू एट डाल दिया क्या होगा aluminum oxide is water insoluble hair it will change into a water soluble form what is that that is sodium that is present here aluminum and we will get this aluminum hydroxide this thing so this sodium and aluminum hydroxide salt gaya hai. you can call it this is sodium aluminium hydroxide. This is soluble in water. So that was the trick. You were having in this container impurities and along with that aluminium oxide, sodium hydroxide. What will happen? What had happened? That is, aluminium oxide, which is soluble in it has changed into a form that is soluble in water. Now,

तो जो चीज़ नीचे आएगी फिल्टर पेपर में से गुजर के वो फिल्ट्रेट है और हमारा ये जो एलोमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना है इट विल कम इन द फिल्ट्रेट ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर क्या चीज़ बच गई रेजिज्यू क्या बच गया है दैट इज द इम्प्योरिटीज पर्टिकुलरली सिलीकॉन डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड यस अब हमारे पास ये चीज आ गई है क्वेश्चन ये है कि अब क्या करें फिल्ट्रेट आ गया जिसमें के सोडियम एलोमीनियम हाइड्रोक्साइड है नाउ वट टू डू फिर सोचना यहां पर शुरू हुआ कि कोई ऐसा तरीका करें कि यह एलोमिनियम जो है ये सोलेबल फॉर्म में है ये वापिस इन सोलेबल फॉर्म में आ जाए क्या किया गया इस सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया कार्बन डाइऑक्साइड बबल आउट जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बड़े स्केल के ऊपर इस सोल्यूशन में से पास करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है नतीजे में वापस एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है मगर उसके उस स्टेप्स हैं आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वट है दिस वॉज योर दिस एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन पासिंग थ्रू एट कार्बन डाइऑक्साइड वट विल हैपन

नाओ अगेन यू विल फिल्टर हिट फिर फिल्टर करना है अब बताइए फिल्टर करेंगे तो रेजिजू क्या होगा और फिल्ट्रेट क्या होगा रेजिज्यू नाव योर रेजिज्यू फिल्टर पेपर के ऊपर जो है दैट इज योर रेजिज्यू और उसमें है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड और फिल्ट्रेट में चला गया है कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जो बना है वो फिल्ट्रेट में चला गया सो so, वी हैव नाओ प्योर एलुमीनियम हाइड्रोक्साइड अब इस प्योर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को वापस चेंज करना है एल्युमिनियम ऑक्साइड में अब वो प्योर होगा कैसे चेंज करें बहुत आसान सा तरीका है हीट करेंगे सो वी विल हीट इट एट ए हाई टेम्परेचर देन वॉट विल हैपन ओके सो वी आर हैविंग दिस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वी आर हीटिंग इट हीट Almost 1000 degree centigrade, and as a result of that, what will happen? Water will go out, and we will get aluminium oxide along with water vapor, water in gaseous state, it will go out. This is Al2O3, aluminium oxide, pure aluminium oxide. We call it alumina. A L U M I N A. एलुमिना। सो so, अब तक हमने क्या किया हमारे पास ओर थी उसको ग्राउंड करके उसको फाइनली डिवाइडेड पाउडर बना लिया उसके बाद हमने कहा उसमें तो इंप्योरिटीज हैं इम्प्योरिटीज को लैदा करने के लिए हमने बायर मेथड यूज किया यानी कि उसमें सोडियम आइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्टेड दॉक्साइड इन टू वॉटर सॉलेबल फॉर्म नाउ आफ्टर दैट वॉट वी डन वी फिल्टर एट एंड ऑपटेन दॉलेबल फॉर्म

अपनी ओर को इस काबिल किया है ताकि अब उसके अंदर रिडक्शन का अमल हो सके यानी अब तक हमने और ही की प्रोसेसिंग और ड्रेसिंग की है और ही को रेडी किया है सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस ओर इन टू द प्योर मेटल तो नाउ केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन अगेन सोचने वाली बात है कि एलुमिनियम ऑक्साइड प्योर फॉर्म में हमारे पास आ गया है ठीक है भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एलुमिनियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को कैसे अलग करें यानी वो तो कंपाउंड की शक्ल में है एलुमिनियम और ऑक्सीजन ने आपस में केमिकल कंबिनेशन करके कंपाउंड बनाया हुआ है और हम उसके ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं सो वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स एंड गेट दिस ऑक्सीजन अवे मगर एलुमीनियम जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त तरीका जो है जो हॉल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने सोचा था वो था इलेक्ट्रोलाइसिस। मगर जनाब इसमें दुशवारियाँ हैं देखते हैं क्या दुशवारियाँ हैं एलुमीनियम ऑक्साइड तो सॉलिड स्टेट में है इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बिजली पास करने के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इसको मोल्टन स्टेट में लाना होगा मेल्ट करना होगा मगर एलुमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है दो डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई इतने मेल्टिंग पॉइंट पे किसी चीज़ को ले जाना उसे हैंडल करना और फिर ये कि इतनी बड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन हीट इट अप टू दैट टेम्परेचर इट्स वेरी एक्सपेंसिव वेरी कॉस्टली एंड आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल तो सोचना शुरू कर दिया लोगों ने कि कोई ऐसा तरीका करें कि हम इसको मोल्टन स्टेट में लाएं और इलेक्ट्रॉलिस भी करें लेकिन कम खर्चे पे लो टेम्परेचर पे अगेन केमिस्ट्री काम आती है केमिस्ट्री हमें यह बताती है कि अगर हम दो या ज्यादा चीज़ों का कोई मिक्सचर बनाएं तो मिक्सचर का जो मेल्टिंग प्वाइंट होता है वो कंपेरेटिवली लो होता है लेकिन क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर क्या तरीका अख्तियार करें तो हॉल्स नाम का एक साइंटिस्ट था एच ए एल एल हॉल उसने यह सोचा कि एक और दूसरी का चिदहात है और है एलुमिनियम की क्रायोलाइट और क्रायोलाइट का अगर जो वो सॉलिड है मगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट 1000 थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन यहां से बात आई कि अगर हम क्रायोलाइट को मेल्ट कर लें मेल्ट करने के बाद उसमें डिजोल्व करें ऑक्साइड को और देन इस ए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ एलोमिना इन टू क्रायोलाइट एंड देन अंडर गो द एंड सी वट हैट वी हैव वी हैव क्रायोलाइट वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट दैट इज इट इज सोडियम फ्लोराइड प्लस एलोमीनियम फ्लोराइड So, this is cryolite. We will melt it and dissolve into it this alumina Al2O3. Now, when it is dissolved in this, as a whole, now the melting point is almost uh, 1000. So, 1000 degrees centigrade. At this temperature, now we can do electrolysis. मगर इलेक्ट्रोलिस करने के लिए भी खास तरीके इस्तेमाल होते हैं पहली बात तो हमें यह समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलिस क्या होता है अगर आपके पास कोई कंडक्टर सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है एक कैथोड होता है एक एनोड होता है ना वेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी वाट हैपन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर पॉजिटिव आइंस होते हैं और नेगेटिव आइन्स होते हैं पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड कैथोड जो के नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड एनोड जो के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है अगेन इस बात को समझाने के लिए हम इस कंटेनर की तरफ आएंगे यू समझ लें कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो के यूज होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सो देट वी कैन गेट एलोमिनियम कौन सा प्रोसेस है हाल प्रोसेस इन दिस हॉल प्रोसेस वी यूज ए स्पेशल सेल ए कंटेनर इस कंटेनर के अंदर जो लाइनिंग है जो अस्तर है वो है कार्बन या कार्बनाइज्ड आयरन का यानी लोहा और कार्बन दोनों के मिलाप से एक कार्बनाइज्ड आयरन बनाया जाता है जिसकी अंदर लाइनिंग कर दी जाती है दिस लाइनिंग जो कि इस पूरे के ऊपर है यानी इसे बॉटम पर भी है साइड पर भी है

एक रॉड दो तीन चार ज्यादा रॉड ऐसे डबो सकते हैं ये रॉड्स ये कार्बन के या ग्रेफाइड के होते हैं और इनको जोड़ा जाता है बिजली के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सो दे विल बी एनोड्स दीज रॉड्स विल एक्ट एज एनोड्स तो बात समझ में आ गई इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तीन चीजें हैं नंबर वन द सेल एज ए होल और इसके अंदर एनोड हैं जो कि ग्रेफाइट के हैं और इसके अंदर कैथोड है जो कि कार्बनाइज आयरन की है और इसमें तीसरी बात जो है वो है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ एलोमिया इन क्रायोलाइट नाउ पास इलेक्ट्रिसिटी एंड सी वॉट विल हैपन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट में जो चीजें मौजूद हैं उसमें अहम तरीन चीज जो है वो है एलोमीनियम आयंस जो कि पॉजिटिव हैं दीज एलोमियम आइन्स विल मूव टू द बॉटम

एनोड्स जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट के वहां जब पहुंचेंगे तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन होगा क्या केमिकल रिएक्शन होगा रिएक्शन होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन विल लूज इलेक्ट्रॉन बिकम न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम्स दीज न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम्स विल रिएक्ट विद द मटीरियल ऑफ द एनोड्स जो कि ग्रेफाइट है उस मटीरियल से रिएक्ट करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को इवॉल्व आउट हो जाएगी इस पूरे सेल बड़ा जबरदस्त सेल है बहुत अच्छा है मगर इसका बहुत नेगेटिव इशू यह है कि इसके जो ग्रेफाइट के रॉड्स जो हैं, इनके साथ आके ऑक्सीजन रिएक्ट करना है कार्बन ऑफ द रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म सो एज रिजल्ट ऑफ दैट बी कंज्यूम्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल बी अल्टीमेटली

हम थोड़ी सी केमिस्ट्री देखते हैं और वॉन्ट टू सी वट काइंड ऑफ़ रिएक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस नाउ द रिएक्शंस यू सी वी हैव एलोमियम आयन्स ओके एलोमिनियम आय दीज आर द दर दे आर कैट कैथोड एंड कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं

एग्जेट रखा होता है और वक्फे वकफे से हम इस एलोमिनियम को यहां से टैप आउट कर लेते हैं निकाल लेते हैं दूसरा रिएक्शन जो होगा वो एनोड पे होगा और दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्या है वी आर हैविंग ऑक्साइड्स दिस ऑक्सीजन आइंस नेगेटिव आइंस दे विल मूव टूवर्ड एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जब ये वहां पहुंचेंगे दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम्स दिज न्यूट्रल एटोमिक्स वेरी रिएक्टिव बहुत रिएक्टिव होती है और क्या करेगी कार्बन जो कि ग्रेफाइट है जो कि एनोड का मटीरियल है दिस ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दैट एंड वॉट वी विल गैट इस कार्बन डाइऑक्साइड सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और इट विल कम आउट इवॉल्व आउट वी कैन बैलेंस दिचुएशन दिस वे So, carbon will react with oxygen and carbon dioxide will go out. So, this is overall chemical reaction that will take place. Anode and cathode. How can we write the overall chemical reaction? What is the overall chemical reaction? So it's easy. Overall chemical reaction is easy. We have aluminium, cations, we have Carbon, that is material of graphite, that is uh, anode, oxygen, ions, they react, reaction take place at the electrodes. Ultimately, what we get is aluminum liquid, we get carbon dioxide. And if we want to balance this equation, we can easily do it this way. Now, you see, we have uh, how many. हेयर हाउ मैनी ऑक्सीजन आर हेयर सो यू कैन बैलेंस दैम इजीली नाउ द एलुमीनियम वी गेट इन दिस वे इज इन द मोल्टन स्टेट एंड आल्सो नॉट इन द वेरी प्योर फार्म इट इज ऑलमोस्ट नाइंटी नाइन परसेंट प्योर बट वी वॉन्टेड टू मेक हंड्रेड परसेंट प्योर ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट प्योर कैसे कर सकते हैं खैर देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं मगर अब तक जो बात हमने की है वो ये थी कि बहुत अच्छा आपने ये सीखा कि एल्युमिनियम की ओर बॉक्साइड से चले इम्प्योरिटीज को अलग किया एलुमिना बना एलुमिना जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था हाल ने एक तरीका निकाला कि क्रायोलाइट के साथ मिक्स करके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर लो और सो ऑन हंड्रेड दैट इज कटिंग द मेल्टिंग पॉइंट लो अल्टीमेटली वी कैरी आउट द एलेक्ट्रॉलिस एट लो टेम्परेचर एंड वट यू हैव गेट इज एलुमीनियम नॉट इन प्योर स्टेट हाउ कैन बी यहाँ पर फिर एक सीखने वाली बात है कि जब भी कोई मेटल हमारे पास हो वो प्योर फार्म में ना हो तो हम उसे किन किन तरीकों से प्योर फार्म में ला सकते हैं तो एलुमिनियम के बहाने से हम इस बात को ओवरऑल सीख रहे हैं तो देखिए तरीका यह सोचा गया कि एलुमीनियम जो कि मौजूद है इसको ले आते हैं सॉलिड फार्म में और तो जाहिर है कि इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट प्योर कोई तरीका करना है कि इसको प्योर फॉर्म में लाना है तो इलेक्ट्रॉलिस का तरीका ही यूज किया गया और इलेक्ट्रॉलिस तरीके, तरीके से इसको प्योरिफाई करने की कोशिश की गई वॉट इज द मैथड नाउ द मैथड इज नोन एज प्रोसेस एच ओ ओ पी ई ईप्स प्रोसेस

इसी एलोमिनियम की एम प्योर एलोमिनियम की जो अभी अभी हमने हासिल किया है सो इट इज एम प्योर एलोमीनियम इसके ऊपर हमने लेयर बनानी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की और वो है क्रायोलाइट यानी सोडियम फ्लोराइड एलोमिनियम फ्लोराइड अलॉन्ग विद दैट कैल्शियम फ्लोराइड और बैरियम फ्लोराइड आल्सो एडेड सो नाउ दिस इज द सेकेंड लेयर थर्ड लेयर जो टॉप पे बनाई जाती है एंड दैट लेयर इज दिस प्योर एलोमीनियम प्योर एलोमीनियम द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री ओके एट द लोअर लेयर वॉट विल हैपन एलोमीनियम विच इज अलॉन्ग विद इंप्योरिटीज इट इज न्यूट्रल एटम बट it will undergo oxidation to form aluminum oxide and lose electron now this aluminum ions aluminum ions they will move toward the upper layer why because upper layer is the negative layer that is cathode cathode what is this lower layer positive layer anode what will happen at the anode oxidation oxidation so aluminum cations will be formed these cations will move through this middle layer ultimately reaching at the upper layer and at the upper layer what will happen oxidation will take place no at the upper layer again reduction will take place so oxidation will take place here at the lower layer where you are having aluminum ion and electrons are lost so aluminum atom changes into aluminum ion electrons are lost at the top layer what will happen aluminum cations they will take, uh, take electrons and will become aluminum neutral atom so that is known as the reduction so oxidation at the lower and reduction at the top layer and so in this way ये जो नीचे इमप्योर एलोमिनियम की लेयर जो थी आहिस्ता आहिस्ता सारी खत्म हो जाएगी एंड द होल एलोमीनियम विल विल बी ट्रांसपोर्टेड विल मूव फ्रॉम दिस लोअर लेयर टू द टॉप लेयर एंड टॉप लेयर जो है वो प्योर एलोमिनियम की है वहां जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टफुल मैथड टू प्योरीफाई एलोमिनियम और इसमें हमने क्या तरीका यूज किया है ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस माई डियर स्टूडेंट्स अब तक हमने जो बात सीखी थी दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एलोमियम आई होप के यू हैव इंजॉयड दिस बिकॉज इसमें आर्ट भी है टेक्नोलॉजी भी है थिंकिंग भी है केमिकल ट्रिक्स भी हैं एंड अलॉन्ग विद केमिस्ट्री इज देयर इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कंट्रास विद इट वी वॉन्ट टू नाव लर्न द मेटल अर्जी ऑफ कॉपर मकसद हमारा यह है कि दोनों इन मेटल्स को कंपेयर करके आप ये समझें कि व्हाट आर द वेरियस वेज एंड मीन्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स जिस तरह एलोमिनियम अपने अर्थक्रस्ट में प्योर एलोमिनियम एलिमेंट की शक्ल में नहीं होता कॉपर कुछ तो होता है नेटेव फॉर्म में भी लेकिन ज्यादातर जो कॉपर है वो भी ओरजी की शक्ल में होता है बल्कि हैरत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा ओरज होती हैं कॉपर की एस्टिमेट किया गया है कि तकरीबन 360 हंड्रेड सिक्सटी ओरस तीन सौ तकरीबन या इससे भी ज्यादा कॉपर की ओर होती हैं कॉपर की मेटलर्जी बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं कि हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम इट्स मैनी मैनी ओरस ओके देर आर मैनी ओरस बट जनरली द वी यूज आर दे आर द सल्फाइड ओरस लेट्स सी वट आर वेरियस ओरस ऑफ कॉपर सल्फाइड ओर आर वेरी इंपॉर्टेंट We have copper pyrite or chalcopyrite, its formula is uh, CuS FeS or CuFeS2. Another sulfide ore is uh, chalcosite, it is uh, Cu2S. We also have carbonate ores and two very important carbonate ores are malachite and azurite and both uh, they are basically basic carbonates. That is CuCO3 dot whole twice, and as you write, is what 2 CuCO3 dot whole twice. Another important ore of copper is uh, cuprite Cu2O. So, these are the various ores which are found in the earth crust which are used to extract copper, but the most important one. From which copper is generally extracted is copper pyrite, that is a combined ore of copper and iron. Now, the question is what is the chemistry to extract this uh, copper from this ore? What are the various steps? First of all, what we will do is we will dig out this pyrite, uh, copper pyrite ore, again, we will powder it, crush grind make it finely divided powder and again here we will do concentration a very interesting method is used for the concentration of copper ore and that is known as froth flotation process this is the process that is used what is this a very interesting again chemical tricks be or technology be art be this is a kind of container

देन वाट वी विल डू इसको स्टेयर करना है बहुत स्ट्रांगली और इसके अंदर से एयर बबल करनी है नतीजे में क्या होगा कि बहुत सारे जहाग बन जाएगा फ्रॉथ अब वो जो हमारी और है उसके साथ जो इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज हैं वो सिलीकेट्स हैं जनरली वो चली जाएंगी वाटर के साथ और जो है वो चली जाएगी ऑयल के साथ जो जहाग की शक्ल में और हमारी रिक्वायर्ड डिजायर्ड और

दो दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड और इसमें हमने टेक्निक क्या यूज़ की है वही हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफीलिक वॉटर ऑयल हमारी इंप्योरिटीज में से कुछ वो हैं जो वॉटर की तरफ जाने वाली हैं कुछ वो हैं जो ऑयल की तरफ आने वाली हैं लिपोफीलिक और, और जो है दैट विल कम इन टू द ऑयल लेयर एंड वी विल ड्रेन इट ऑफ एंड वी विल गेट दैट सो दिस इज नोन एज कंसनट्रेशन दैट इज वॉट वी हैव डन इज वी हैव कंसंट्रेटेड आवर और आफ्टर दैट कुछ इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो अभी भी आ गई हैं तो अगला जो स्टेप है दैट इज रोस्टिंग रोस्टिंग बड़ा अच्छा लफ्स है मगर हम मिनरल को कैसे रोस्ट करते हैं तो रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग एट ए हाई टेम्परेचर पासिंग एयर एंड ऑक्सीजन एज वेल बट हीटिंग बिलो द मेल्टिंग प्वाइंट यानी इतना हीट करना है कि मेल्ट ना करे तो फिर क्या होगा जब रोस्टिंग होगी तो ओर के अंदर केमिकल चेंजेस आएंगी एम्प्योरिटीज बर्न कर जाएंगी खुद और के अंदर भी चेंजेस आएंगी और देन दिट इज दैट इज नोन एज के रोस्टिंग हीटिंग बिलो द मेल्टिंग प्वाइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर ऑक्सीजन सो दैट इम्प्योरिटीज आर बर्न एंड सम ऑफ केमिकल चेंजेस आल्सो अकर इन दर इट सेल फिर क्या होगा वट केमिकल रिएक्शन वे लगकर तो दैट केमिकल रिएक्शन इज दिस दैट इज सी यू एस एफ ई एस दिस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इन टू टू थिंग्स ये रिएक्शन होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हैं नंबर ऑफ रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस और भी हैं ये ओवरऑल पिक्चर है हमारी एट अ सिंपल लेवल अलॉन्ग विद डेट वी विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है

तो so, ये हमें फायदा हुआ रोस्टिंग का मगर रोस्टिंग के बाद भी जो चीज मिली हुई है वो है सी यू एस एंड एफ ई ओ दैट इज ए मिक्सचर अब हमारी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि FeO को किसी तरीके से अलहदा करें कैसे अलहदा कर सकते हैं तो दैट इज द स्टेप नोन एज स्मेल्टिंग वट वी विल डू इस हम इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालेंगे और डालने के बाद देन वी विल हीट दिस होल मिक्सचर

ये है इसे हम कहते हैं स्लैग एस एल ए जी स्लैग सादा जुबान में हमारी घर की जुबान में हम कहते हैं मैल कुचैल तो हुआ क्या कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल के 1100 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मेल्ट किया तो हमारे पास क्या था सी यू टू एस और एफ ई ओ एफ ई ओ ने रिएक्शन किया सिलिकॉन डाइऑक्साइड से और फेरस सिलिकेट बना अब जो कि ऊपर उठा और इस पूरे के ऊपर तैरने लग गया ये स्लैग जो है ये ऊपर की लेयर बनाएगा बिकॉज इसकी डेंसिटी कम है लाइटर है नीचे क्या चीज है सी यू टू एस डेट इज नोन एज कॉपर मेट तो कॉपर मेट यानी सी यू टू एस नीचे लेयर बना बनाए हुए है और एफ ई एस आई ओ थ्री फेरासिलीकेट ऊपर लेयर बनाए हुए इसको ऊपर से ड्रेन ऑफ कर लिया और अब हमारे पास प्योर बच गया क्या चीज सी यू टू एस इसमें से सल्फर को निकालना है सल्फर को किसी तरीके से लैदा करना है लेकिन यह आसान नहीं है और हाई टेम्परेचर चाहिए ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए तो ऐसा करने के लिए हमने खास किस्म का कन्वर्टर है जिसे बेस्यूमर कन्वर्टर कहते हैं वो यूज होता है उसमें हम अपने इस मोल्टन मेट को ले जाएंगे और उसमें से ऑक्सीजन पास करेंगे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे एंड देन सी वॉट हैपन वट विल है इन द bessemerization that is the reaction occurring in that particular kind of converter which is uh, known as bessemer converter what reaction is taking place so we are having molten copper sulfide copper one sulfide that is cu2s and we will do what oxygen will be passed and as a whole this will react with the uh, cu2s changing into cu2o Sulfur dioxide will go out. So, partially and partly, you may say half of the Cu2S will change into Cu2O. The moment this Cu2O is formed, this Cu2O reacts with Cu2S. Oxidation reaction occurs, oxidation reduction reaction, making liquid state of this copper, copper in the liquid state. एंड सल्फर डाइऑक्साइड विच विल गो आउट नाव दिस कॉपर नाउ वी हैव ऑपथेंट दिस इज नोन एज ब्लिस्टर्ड कॉपर ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है जिसपे छाले बने हुए हैं आंवले बने हुए हों मतलब यह है कि जब यह कॉपर बन रहा होता है तो लिक्विड स्टेट में होता है और इसके अंदर जो रिएक्शन है उसमें सल्फर डाईऑक्साइड गैस बन रही होती है ये सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बबल्स की शक्ल में बाहर को इवाल्व होती है कम आउट होती है और नतीजे में क्या होता है कि पीछे छाले से बन जाते हैं प्योरीफाई है, करना है बट बिफोर वी गो देर लेट एस लर्न कि हमने सीखा क्या है हमने यह सीखा है कि कॉपर बहुत ही कीमती दहात है बहुत इसके यूजेज हैं हमने इसके और जो के कॉपर पाइराइट और है उसमें से इसको एक्सटेक्ट करना है इम्प्योरिटीज को अलग किया दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस सम मोर इम्प्योरिटीज सम सल्फर डाइऑक्साइड गॉन दैट इज रोस्टिंग फिर स्मेल्टिंग एंड देन एट द एंड इट इज बेसिमराइजेशन तो बेसिमर प्रोसेस के अंदर हमें मिल गया है कॉपर जो कि लिक्विड स्टेट में है लेकिन सॉलिड बन जाएगा तो ब्लिस्टेड कॉपर होगा इट इज नॉट प्योर वी हैव टू प्योरीफाई

कैसे यूज करते होंगे थिंक ओवर दिस अभी हमने एलोमिनियम की प्योरिफिकेशन पड़ी थी उसमें कुछ हमने सीखा था कि कैथोड किसका बनाएं एनोड किसका बनाएं बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या हो तो ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा वी नो दैट दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड एंड कैथोड उसी तरह का कोई सोचना है तरीका किसके लिए कॉपर के लिए यस yes. तो वी विल make a kind of electrolytic cell, again, help of this box. This is our magic box for this lecture. And we have learned can do So a lot of things we have done in this box. So this is a kind of box. What we have to do is, we will uh, need three things. Whenever electrolysis you will be needing three things. three things? Yes, we will need electrolytic solution, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर यू मे से इलेक्ट्रोलाइट वी नीड कैथोड वी नीड एनोड तीन चीजें हमें चाहिए अब यहां तो हमें मसला आम किस्म का इलेक्ट्रोल नहीं है बल्कि वी वांट टू वी वांट टू प्योरीफाई कॉपर कैसे कर सकते हैं तो तरीका उसका यह है कि ये जो ब्लिस्टेड कॉपर है इसका बनाए एनोड प्योर कॉपर लेके आए और उसका बनाए

वहां पे ऑक्सीडेशन होगी बहुत आसान सी बात है याद रखें ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड मैं बच्चों को बताया करता हूं उसको सीखने का तरीका यह है कि एनोड जो है वो ए से शुरू होता है ऑक्सीडेशन ओ से शुरू होता है दोनों वॉवल हैं और रिडक्शन अकर्स एट कैथोड तो रिडक्शन स्टार्ट विद आर कैथोड विद सी बोथ आर कॉन्सोनेट्स नॉन सो दैट इज हाउ यू कैन ईजीली रिमेंबर दिस सो ऑक्सीडेशन एट कैथोड रिडक्शन एट एनोड Copper, जो ब्लिस्टर कॉपर है एनोड ऑक्सीडेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स गॉन कॉपर आयन बना कॉपर आयन विल मूव थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइटिकलेक्ट्रॉन इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल कॉपर एटम एंड इट विल बी डिपॉजिटेड देयर सो स्लोली एंड स्लोली वट विल है खत्म हो जाएगा और कैथोड जो कि प्योर कॉपर का बनाया था थिन सा था पतला सा था अब वो हैवी हो गया है बिकॉज उस पर बहुत ज्यादा और कॉपर आके डिपॉजिट हो गया है इन दिस वे विद द ऑफ़ टाइम वी विल बी हैविंग कन्वर्टेड ट्रांसपोर्टेड ब्लिस्टर कॉपर अपनी इंप्योरिटीज को पीछे छोड़ के सारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड एट कैथोड नाउ यू आर हैविंग प्योर कॉपर माई डियर स्टूडेंट्स टूडे in this very important lecture we have studied how can we extract aluminium and copper you have learned that they are very important metals both of them both have lot of lot of applications but both we have to derive or produce or isolate from ores combined form you have learned कौन सी ओर से एलोमिनियम को एक, एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सी ओर से कॉपर को करते हैं मैं आपको ये क्वेश्चन भी दूंगा कि दोनों को पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोथ द मेथड्स दोनों को कंपेयर करना आप सीखें व्हाट आर दिक्यूलियरिटीज और स्पेसिफिसिटीज व्हाई वी हैव यूज्रो इलेक्ट्रोमेटलर्जी फॉर एलोमियम एंड वी हैव यूज पायरोमेटलर्जी फॉर कॉपर तो इस तरह से यू कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट And you can think that chemistry is very useful. It is, uh, it is very uh, uh, important technology. It is science. It helps us to obtain very important metals from their raw form materials, raw materials, that is, ores, minerals. So, this whole was a kind of uh, very interesting learning experience. I hope and pray that you have learned a lot. Again, I would say. That this will provide you a kind of ground, only a basis, on which you have to construct your own building on the basis of your thinking and your study. And lot of material is available nowadays, okay? So, is a lot of lot of enrichment you can bring about. Thank you.